बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से खरीय से होंगे। सहारा मैरिज ब्यूरो यूट्यूब चैनल के प्लेटफार्म पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद यासीन मलक। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक 33 साल खुला याफ्ता खातून का रिश्ता लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये खातून किसकी बेटी है, इसके वाले साहब क्या करते थे, इसके भाई वो क्या करते हैं, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज इस वीडियो की तरफ जाने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाले नए रिश्ते की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं बिला ताखीर आज के रिश्ते की जानिब। आज मैं जिस खातून का रिश्ता आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उस खातून का नाम रुबीना है। रुबीना की उम्र 33 साल है और ये खुला याफ्ता हैं। इसकी तालीम एमए इस्लामियात है और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तरफ से इसने एमए इस्लामियात की है। इसके वालिद साहब जज थे, रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद कुछ अर्सा पहले वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। इसकी वालदा जिंदा है, जो घरेलू खातून हैं। इसके 4 भाई हैं। ये वालदैन की अकलौती बेटी है, भाइयों की अकलौती बहन है। इनका बड़ा भाई जो है वो डीजी हैं और उससे छोटा जो है वो एडवोकेट है, और एक और जो इनका भाई है वो अटामक में गवर्नमेंट जॉब पर ग्रेड 20 में मुलाजिम है। तो ये काफ़ी सेटल फैमिली है। इनकी डिमांड है कि इनको ऐसा रिश्ता चाहिए जो मुनासिब हो, अच्छा खाता पीता, घर से तलक रखता हो, बिजनेसमैन हो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला हो, दूसरी शादी वाला हो, और ऐसे लोग रابطہ करें जो दूसरी शादी वाले हों लेकिन पहली बीवी या बच्चे वगैरह ना हो। तो इस खातून का मज़हब इस्लाम है, मसलक अहले सुन्नत है, और इसका जो तल्लक है वो लाहौर शहर से है, जहाँ इनका अपना ज़ाती घर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह रिश्ता आपको पसंद आएगा। जो लोग इस रिश्ते को अप्लाई करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हासिल करना चाहते हैं, तो ज़रूर वीडियो को कमेंट्स में जाकर अपनी तमाम तर डिटेल सेंड करें ताकि मैं वहाँ से आपकी डिटेल और आपका व्हाट्सअप नंबर ले सकूँ, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी रابطہ कायम कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। फी